एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जब भी हम बात कर रहे हैं कुंडली विश्लेषण में, उसमें यह भी बात की जाती है कि हम वर्ग कुंडलियां हैं उनको भी हमको देखना है। तो कोई भी ग्रह की मान लो दशा चल रही है, तो उसको एट ए ग्लांस आप उस कौन से भाव में है वो वर्ग कुंडलियों के, मान लो आपके वो नवमांश कुंडली जो पति पत्नी के लिए है, दशमांश कुंडली आपके कार्य क्षेत्र के लिए है, ये तीसांश कुंडली जो आपका अनिष्ट दिखाता है, इस तरह से कोई भी जो भी षोडशवर की जो कुंडलियां हैं उनका एट ए ग्लांस आप देखना चाहते हैं कि उस कुंडली में कौन सा ग्रह 6 8 12 में बैठा है, वो आपको एट ए ग्लांस यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और उस ग्रह की मान लो दशा चल रही, मान लो शुक्र की दशा चल रही है, तो हम इसको बता सकते हैं ये चतुर्थांश में 8वें भाव में बैठा है, नवांश में 6ठे भाव में बैठा है और द्वादश में 8वें भाव में बैठा है। तो जिस तरह से चतुर्थांश से हम शिक्षा देखते हैं, फिर द्वादश से माता पिता है, तो इस तरह से जहाँ पे भी वो नवांश में है हम पति पत्नी के लिए देखते हैं, तो इस तरह से आप इमिजिएटली देख सकते हैं कि वो फल आपको वहाँ पे वो उस भाव के कारण अच्छे फल नहीं प्राप्त होंगे। तो एट ए ग्लांस आप षोडश वर भाव तालिका को देख के आप अपना जब भी जो भी दशा चल रही है जिस भी ग्रह की, तो हम बता सकते हैं कि ये चतुर्थांश में अच्छा नहीं है, यहाँ पे नवांश में अच्छा नहीं है, द्वादश में अच्छा नहीं है और बाकी जगह पे वो अच्छे भाव में बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप इमिजिएटली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो बताने का हमने तरीका बताया है वो आप ये जो वर्ग कुंडली की जो तालिका है वो आप इमिजिएटली देख के आप जो कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं उसका कर सकते हैं। इसी जिस तरह से भाव तालिका है उसी तरह से जो जो षोडश वर्ग तालिका में और भी दूसरी जो तालिका बनती है वो बनती है आपकी ये जिसमें कि यहाँ आपको दिखा रहा है कि शुक्र ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। तो आप जान सकते हैं कि षोडश वर्ग तालिका निकालेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मान लो शुक्र ग्रह की हम बात करें तो शुक्र जो है वो 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि लग्न में वो 9 नंबर के यानी धनु राशि में है। तो पहले हमने भावों में देख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो धनु जो राशि है उसकी मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि में बैठा है। वैसे यहाँ पे 5 नंबर की सूर्य की राशि ये भी शत्रु राशि बताती है, ये भी शत्रु राशि में, यहाँ पे भी शत्रु राशि में, यहाँ पे भी शत्रु राशि में है। और नवांश जो कुंडली है यहाँ पे शुक्र जो 1 नंबर में है वो सम राशि में है, यहाँ पे भी वो शत्रु राशि में, देखिए यहाँ पे 9 नंबर 9 नंबर ये शत्रु राशि हो गया, 5 5 नंबर शत्रु राशि, ये सम राशियाँ हो गई और ये हो गए शत्रु राशि। तो आप यहाँ देख के ग्लांस में देखा कि शुक्र जो ग्रह है वो जो जो राशियों में बैठा है, आपके षोडश वर्ग की जो कुंडलियां बनी है उसमें जो राशियों में बैठा है वो शत्रु राशि है कि मित्र राशि है, वो आप इमिजिएटली ऐसा देख सकते हैं। तो हर एक ग्रह को आप इस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से वो, जैसे सूर्य यहाँ पे वो नीच का है तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जो लग्न में वो नीच का है, सप्तमांश में वो नीच का है, एक ये वाले यहाँ पे भी नीच का है। तो कौन सी वर्ण कुंडली में वो नीच का है वो आप इमिजिएटली देख सकते हैं। ऐसे ही गुरु का भी 10 नंबर में जो है लग्न के 10 नंबर की राशि में नीच का है, यहाँ पे देशकांड में चतुर्थांश में नीच का है, फिर नवांश में नीच का है, द्वादश में नीच का है। तो इस तरह से आप उच्च नीच स्वराशि मित्र राशि वगैरह सबको आप एट ए ग्लांस आप षोडश वर्ग की जो तालिका है ये राशि की है, इसके पहले भाव की बताई, उसमें आप एट ए ग्लांस जो ग्रह की मान लो दशा चल रही है उसको एट ए ग्लांस देख सकते हैं, या कंप्लीट कुंडली का भी वहाँ पे आप अध्ययन कर सकते हैं कि वो किस तरह से बता रहा है कुंडली में। तो ये सरल सा तरीका एक बताने का प्रयत्न किया, तो आप अपनी कुंडलियों में इसको लगा के आप ये तालिका का जो है षोडश वर्ग तालिका है, एक तो भाव तालिका है एक राशि तालिका है, दोनों में आप देख सकते हैं एट ए ग्लांस आप जज कर सकते हैं कि जो दशा चल रही है वो किस तरह का कार्य कर रही है, इसको बताने का हमने अब प्रयत्न किया।
तो आप अपनी कुंडली में लगा के देखें। आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।